नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल कोडवाइजर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर बात की जाए इंडेक्स की डेली एनालिसिस की, तो वीक डेज में हम दोनों ही इंडेक्स की अक्सर कंबाइन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो हमारा गोल रहता है वो नेक्स्ट इंट्राडे का रहता है कि नेक्स्ट इंट्राडे में हम किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करें। लेकिन जब बात होती है वीकेंड एनालिसिस की, तो वीकेंड एनालिसिस में इंट्राडे भी मैटर करता है और साथ में मैटर करता है कि नेक्स्ट वीक में क्या मोमेंटम होगी, क्या इंडेक्स यहां से और क्रैश होगा या यहां पर एक रिकवरी आ सकती है। और इसी एक सिंगल रीजन की वजह से हम दोनों ही इंडेक्स की यहां पर सेपरेट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की और उसके बाद आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स का भी वीडियो मिल जाएगा। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीक मैंने आपको वीकेंड एनालिसिस में आपसे ये चीज क्लियर की थी कि अगर बात करें निफ्टी 50 की हिस्ट्री में, तो मैक्सिमम 4 मंथ इंडेक्स आपका रेड क्लोज हुआ है, उसके बाद एक रिकवरी तो हमें देखने को मिली ही मिली है। और अगर आप चार्ट पे देखें तो दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये चौथा महीना इस समय कंटिन्यू है। तो अगर इंडेक्स को रिकवर भी होना है इस मंथ की, तो बात ही खत्म करते हैं, क्योंकि इस मंथ में तो ऑलरेडी हम निगेटिव क्लोजिंग देख ही रहे। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि अप्रैल में कुछ एक्शन अपसाइड में होगा। देखिए, हिस्ट्री अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। अगर मैं किसी जगह से भी दिखाना चालू करूं, चाहे आप बात कर लें अप्रैल 2022 से और चाहे आप बात कर लें 2020 के क्रैश की, हर जगह पर हमको मोस्टली 3 कैंडल्स देखने को मिली हैं। इंडेक्स में किसी भी जगह पर आप बात करेंगे तो 2, 3, 4, ये एक पैटर्न है। मैं एक पैटर्न एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको 2015 में 4 मंथ निगेटिव मिले थे, फिर 2013 में निगेटिव मिले थे, और उसके बाद अगर हम इस जगह पे भी बात करें तो 2011 में भी 3 मंथ हमको इंडेक्स निगेटिव क्लोज होते हुए दिखा था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक पुल बैक तो आया है। और अगर मैं बात करूं तो इस समय हिस्ट्री के हिसाब से, है ना, डेटा रीडिंग एक आर्ट है, ये आपको हिस्ट्री में क्या हुआ ये बताता है। तो उस हिसाब से ये जो महीना है ये आपका तो निगेटिव में क्लोज है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि अप्रैल के महीने में आपको एक अच्छा एक्शन देखने को मिले। यहाँ पर जो शॉर्ट व्यू बनते हैं, ठीक है, और उनको ट्रैप किया जा सके। बाजार में 2020 का क्रैश आपको याद होना चाहिए, सब लोग डाउनसाइड थे, उसके बाद क्या हुआ, सडनली रिकवरी आई। तो ये पैटर्न रहते हैं, जब जब पब्लिक बायस होती है, बायस सेल से मार्केट अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। और इसी लिए मैं हमेशा टेक्निकल पर फोकस करने की बात करता हूं कि आप टेक्निकल पर फोकस रहे। जितना आप टेक्निकल पर फोकस रहेंगे, अगर आपको करना तो इंट्राडे ही है, तो लंबा सोचना ही क्यों है, ठीक है। एक व्यू बनाकर रखते हैं मोटा मोटा, और उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे इंट्राडे में या शॉर्ट टर्म स्विंग में। इतना क्लियर हो गया, एक समरी थी जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाजार किस तरीके से बिहेव करता है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, इसी थ्योरी को लेकर आते हैं। अब इस जगह पर आप ध्यान दें तो ये जो नवंबर 2022 से एक स्विंग लो मिला था, उसका फॉलोअप आया दिसंबर 2022 में, फिर उसका फॉलोअप आया फरवरी 2023 में, और फिर हमने इसे 16 मार्च को भी देखा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने की, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो सकती है, ठीक है। लेवल है आपका 16,839 और इसके नीचे 16,700, ये आपका हार्मोनिका ABCD पैटर्न है। मैंने टूल से नहीं बनाया, मैंने बस एरो लाइन से बना दिया है, और इसके हिसाब से जो टारगेट आ रहा है वो करीब 16,387 है, यानी नेक्स्ट वीक में आपके पास 16,840, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल मिला, और अपसाइड मिला आपको 17,230। तो ये रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक में मार्केट के डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेक करता है तो मार्केट का जो ये स्ट्रक्चर है ये इनवैलिड हो जाएगा और प्राइस रिवर्स हो जाएगा। और अगर ये लेवल ब्रेक करता है 16,800, तो फिर हम 16,400 तक जा सकते हैं, यानी अब डाउन साइड में 400 पॉइंट का टारगेट हमें रखना चाहिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं तो आप इतना टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आपको ये रेंज पर फोकस रखना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन से एडजस्ट करें। इतना क्लियर हो गया। देखिए, चीजें कैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करते हैं कि लेवल्स पे ध्यान देते हैं, लेवल्स से ज्यादा जरूरी है
कि किस तरीके से मंथली, वीकली, आवरली और उसके बाद इंटरडे में कैसे अपने चार्ट को शिफ्ट कर रहा हूँ, कैसे अपने व्यू बना रहा हूँ और कैसे मैं अपने व्यू को ट्रेड कर रहा हूँ, किस तरीके से रेंज को फाइंड कर रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। हमेशा वीकली जब भी एनालिसिस करें, मैं अपनी एनालिसिस आपके सामने दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी जब भी एनालिसिस करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक में हलचल किस लेवल पर हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको सेम लेवल ही मिलेगा और उसकी टारगेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, डेली टाइम फ्रेम से मैच कर रहा है। अब इस जगह पर हमें 17,230 ब्रेक होते हुए दिखेगा तो हार्मोनिक का जो एबीसीडी पैटर्न है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा, एक्टिवेट होगा 16,800 के नीचे। 16,800 ब्रेक कर गया तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट 16,400 देखेंगे। ये क्लियर एंड कट है, रिवर्सल लेवल भी मालूम है और कंटिन्यूएशन लेवल भी मालूम है। रिवर्सल अब 17,230 है और कंटिन्यूएशन यानी ट्रेंड कंटिन्यूएशन आपको 16,800 के नीचे मिलेगा। इतना समझ में आ गया, थोड़ा यानी लेवल मैं अभी दूंगा आपको, एक एक करके चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बोरिंग नहीं होना चाहता लेकिन फिर भी आप ये सब चीजें समझें। अब बोरिंग भी हुई है भैया तो अपने नुकसान करी हो, है ना। लेवल तो दुनिया में 10,365 लोग दे देते हैं, हमारा काम लेवल नहीं है, हमारा काम है डिलीवरी करना, आपको क्या सिखाना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में मैं आपको ट्रेड सेटअप समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेड बनता है। अक्सर मैं कहता हूँ कि 30 मिनट की रेंज को आपने फॉलो करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप अपना डायरेक्शन पिक करें। 30 मिनट की रेंज कर लो और हाई, यहाँ पर ध्यान देंगे तो हाई टेस्ट हुआ और उसके बाद प्राइस नीचे आया। इस जगह पर कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ था और आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक लेवल ब्रेक हो गया 17,040 का। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आपका यही शॉर्ट बनता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी बेस चलते हैं, 30 मिनट की रेंज का लो टूटने का वेट करते हैं तो भी आपके लिए ट्रेड है। तो ट्रेड मिलेगा लेकिन वो फर्स्ट आवर में मिलेगा कि सेशन के लास्ट आवर में मिलेगा ये हम नहीं बता सकते। अगर आपने रूल पर रिस्ट्रिक्ट रहेंगे तो आपको इंट्राडे में एक ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा और 100 में 95 टाइम वो काम करेगा। बस क्या ये आपका पेशेंस लेवल उतना होना चाहिए, अगर आप बीच में रैंडम जब मारेंगे आपकी स्ट्रेटजी के बिना तो आपके यहाँ पर लॉस होंगे। अच्छा, ये चीज एक्सप्लेन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही लेवल यानी फ्राइडे का जो सेशन है ना यही आपको इंट्राडे लेवल्स दे देता है। हायर टाइम फ्रेम से सारे व्यू लेकर आ रहे हैं, सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन इंट्राडे में आपको मालूम होना चाहिए किस तरह पर कैसे स्विंग्स लगेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा तो 30 मिनट की रेंज का लो ये था और इसका ब्रेकआउट आपका करीब 250 के आसपास हुआ। लेवल है 17,006, आप इसे 17,010 समझे। 17,010 ब्रेक हुआ तो 17,040 और उसके बाद 17,097 ये हमारे दो टारगेट रहेंगे, यानी जो हमें इंट्राडे में लॉन्ग करना है वो 17,010 के ऊपर करना है। फर्स्ट टारगेट 17,040 to 50, सेकेंड है 17,097 to 17,100। अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेड करेंगे, वहां पर शॉर्ट कवरिंग लगने के चांसेस हैं अगर प्राइस 17,120 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं शॉर्ट पोजीशन की। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट पोजीशन जो होती है ना वो थोड़ा सा पुल बैक को ध्यान में रख के बनाई जाती है। दो लेवल हैं शॉर्ट के, पहला है कि हम 16,900 का वेट करें, 16,900 ब्रेक हो जाए हम इंट्राडे में शॉर्ट करें, और दूसरा है कि हम पुल बैक को काउंट करें। जैसे कि हम अगर पूरा लेग खींचें तो हमको मालूम है कि 17,060 to 17,094 ये एक की लेवल रहेगा। अगर प्राइस यहां पर गया इस तरीके से और उसने किसी तरीके से लो ब्रेक किया जैसा कि हमने इस जगह पर देखा था तो हम इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर करेंगे। दो लेवल, एक पुल बैक और एक कंटिन्यूशन। पुल बैक का वेट करिए, सबसे पहले लॉन्ग बनेगा 17,010 के अबव, उसके टारगेट्स बनेंगे। एक सर्टेन लेवल पे आएगा, रिवर्सल फाइंड करने की कोशिश करेंगे, अगर रिवर्सल आया तो वहां से भी हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।